हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राइट फूड एंड ट्रेवल्स। तो दोस्तों, आज हमारी रसोई में आए हैं वरुण शर्मा जी। वरुण, आज कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हो आप? हम मंचूरियन बनाने वाले। अच्छा, मंचूरियन बनाने जा रहे हो। तो सबसे पहले मंचूरियन के लिए क्या क्या चाहिए? मंचूरियन के लिए हमें चाहिए सबसे पहले बंद गोभी। बंद गोभी, फूल गोभी। अच्छा, गाजर। अच्छा, इनको हमें पहले से ही बारीक से काट के रख लिया है। ठीक है, तो अब ये बंद गोभी, फूल गोभी और गाजर ये हमने कट करके रख लिया है। अब इसके बाद क्या करना? सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बर्तन चाहिए, जिसे हमें ये तीनों सब्जियां मिक्स करनी है। सबसे पहले ये बंद गोभी तो हम डाल देंगे इस बर्तन में। फिर फूल गोभी, फिर गाजर, इन तीनों को फिर हमें मिक्स करना है। हमने इन तीनों सब्जियों को मिक्स कर लिया है। फिर हम उसके बाद लहसुन की पेस्ट डालेंगे एक चम्मच, इसे बदलते। फिर इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। अच्छा, ये हरी मिर्च हमें बारीक बारीक काट के डालेंगे। बारीक बारीक काट के डालेंगे, थोड़ा इसके मंचूरियन के बॉल्स बनाने हैं उनके लिए। अच्छा, ये अब मंचूरियन के बॉल्स का मटेरियल है ना? हाँ जी, मंचूरियन के बॉल्स का ये मटेरियल है। ग्रेवी के लिए बाद में, बाद में जब मंचूरियन की बॉल्स बन गई। इसके बाद फिर हम डालेंगे मसाले, से ये बोलते सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, इसके बाद धनिया पाउडर, फिर इसके बाद थोड़ी सी रंगली मिर्च, बस ये सब डालने के बाद लाल मिर्च। हाँ, लाल मिर्च जो रंगली मिर्च बोल देते। अच्छा, फिर उसके बाद हमें डालना होगा अलारो। ठीक है गाइस, अलारो हम इस अलारो को डालेंगे। अरारोट डालने के बाद हम फिर मैदा डालेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे आटा गूंथते वैसे अच्छी तरह। अब ये मसाला तैयार हो चुका है, अब हम इसकी मंचूरियन की बॉल्स बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये ढो तैयार हो चुकी है, अब इसके बॉल्स बनेंगे। अब जब तक हम मंचूरियन के बॉल्स बनाएंगे, तब तक हम कढ़ाई में तेल गर्म कर लें। गैस को ऑन करेंगे तेल गर्म करने के लिए। अब ये कढ़ाई में तेल लगा, अब ये गर्म हो रहा है, अब हम मंचूरियन की बॉल्स बना लेते हैं। ये रिफाइंड है कोली के लिए, और हमने थोड़ा सा रिफाइंड अपने दोनों तरफ हाथों पे लगाना, से ये मसाला हाथों पे नहीं चिपकेगा और बोल अच्छी लगेगी बनने में। बोल का साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे या थोड़ी बड़ी। मंचूरियन की बोल्स ये तैयार हो रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मंचूरियन की बोल्स रेडी हो चुकी है। तो अब क्या करना है? अब ये मंचूरियन के बॉल रेडी हो चुकी है, अब हम ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इन तेल में फ्राई करेंगे मंचूरियन के बॉल को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मतलब लेंगे मसाला तेल चेक करने के लिए, तेल गर्म हो। तो देखिए दोस्तों, ये तेल गर्म हो चुका है। फिर अब हम एक एक करके मंचूरियन के बॉल को डालेंगे, ध्यान से अपने हाथों को बचा। आज ये मंचूरियन के बॉल फ्राई हो चुके हैं। मंचूरियन की बॉल तैयार हो चुकी है। तो आपने काफी रेसिपी देखी होगी यूट्यूब पे मंचूरियन की, तो ये हमारी अलग रेसिपी है मंचूरियन बनाने की, तो आप हमारी रेसिपी भी ट्राई करिए। तो गाइस, हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और गाजर इन सभी को बारीक से काट के रख लिया है ग्रेवी के लिए। तो हमने कढ़ाई रख दी है, अब हम कढ़ाई में रिफाइंड डालेंगे और हम
ऊपर कढ़ाई में पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम गैस ऑन करेंगे। फिर उसके बाद अब ये थोड़ा सा रिफाइंड गर्म होगा। गर्म होने के बाद फिर हम लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब रिफाइंड गर्म हो चुका है तो हम सबसे पहले लहसुन की पेस्ट डालेंगे। तो ये गार्लिक पेस्ट डाल दी है। लहसुन की पेस्ट डालने के बाद हम फिर प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हरी मिर्च, टमाटर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद शिमला मिर्च, फिर गाजर, फिर अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। हमने नमक डाल दिया है और हमने लाल मिर्च भी डाल दिया है तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसे चिल्ली सॉस अपने हिसाब से। फिर उसके बाद सोया सॉस थोड़ी सी, टमाटो सॉस, टमाटो सॉस डालेंगे हम अच्छे से। हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी के हमें दो ग्लास डालने पड़ेंगे जिसे ये बोलते हैं। ये देखो ये पानी में उबाल आ चुका है तो अब हम आधा रोल को खोलेंगे अच्छे से। आधा रोल खोलने के बाद साफ से अब जितना गाढ़ा करना चाहते हैं मिक्स कर देंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हम इसमें मंचूरियन की बॉल्स डालेंगे। अब हम मंचूरियन की बॉल्स डालेंगे। बॉल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये हमारा मंचूरियन बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ये मंचूरियन रेडी हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको टेस्ट करके देखेंगे। अब गर्म है। मसाले प्रॉपर है, सब कुछ सही है और काफ़ी स्पाइसी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में। आप भी घर पर ट्राई कर सकते हो ये मंचूरियन की रेसिपी, एकदम फर्स्ट क्लास है, अच्छा बना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने मंचूरियन खा के देखा, वरुण ने बनाया काफ़ी अच्छा था। तो इधर कोई भी आके डिश बना सकता है, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, हम ट्राई करते हैं बनाने की और आपको हिंट देते हैं कि आप भी घर पर बना सकते हो ये चीज़ें, हमसे बेहतर भी बना सकते हो और आपको बस हिंट दे रहे हैं कि ये कैसे बनता है, बाकी हम इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, ट्राई करते हैं। आप भी अगर आपको भी कुकिंग पसंद है तो आप भी ट्राई कर सकते हो, हमारी वीडियो में आ सकते हो, या अगर आप घर से बना के भेजना चाहते हो तो आप अपनी वीडियो बना सकते हो राइट फूड एंड ट्रेवल्स के लिए। और इसी के साथ काफ़ी अच्छा बनाया आपने भैया मंचूरियन, थैंक यू। ये वरुण है, मेरे साथ वाले घर में रहता है, मेरा भाई है। तो आपको अगर इसकी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और साथ में ये मंचूरियन जो मैंने बनाया, ये भी मैंने कहीं से सीख के बनाया तो अच्छा बना है, मुझे खुशी है इस बात की। पर लेकिन हमारी वीडियो को वायरल करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। तो इसी के साथ हम चलते हैं, कैमरामैन आयुष के साथ, व्लॉगर ईशान, थैंक यू।